हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शहनाज आर्ट। आज हम लाए हैं आपके लिए ये स्वेटर का डिज़ाइन, जिसे आप जेंट्स किड्स किसी में भी बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो देखने से पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आए देखें ये डिज़ाइन किस तरह से बन के तैयार होता है। देखें, सबसे पहले हमें चैन बनाना है। चैन की लंबाई आप जिसके लिए भी स्वेटर बनाएं उसी के हिसाब से चैन की लंबाई भी रखें। इस तरह से फंदा बना लेंगे और चैन बना के तैयार करेंगे। यहाँ ये देखें, ये मैंने इतनी लंबी चैन बना के तैयार कर ली है। अब हम यहाँ पे इस चैन को पकड़ेंगे और यहाँ से तीन चैन बनाएंगे, 1 2 3। और ये जो चैन हमने पकड़ी है इसमें से इस तरह से फंदा निकाल के एक डबल क्रोशिया बना के तैयार करेंगे। इसी तरह हमें सभी चैनों में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। देखें, इस तरह से हमें सभी चैनों में डबल क्रोशिया बनाना है। मैं आपको ये पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद दिखाती हूँ। ये देखें, मैंने सभी चैनों में एक एक डबल क्रोशिया बना के तैयार कर लिया है। अब हम यहाँ पे एक चैन लेंगे और इस तरह से घुमा लेंगे, इसमें आएंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखें, इसे इस तरह से हमें हर चैन में से फंदा लेके एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से ये मैं आपको पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद दिखाती हूँ। देखें, इस तरह से हमने एंड तक सिंगल क्रोशिया की लाइन बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब हम यहाँ पे दूसरा कलर ऐड करेंगे, इस तरह से ऐड करेंगे। और यहाँ पे हमें इस तरह से घुमा लेना है। और देखें, ये जो पहला चैन है इसमें लाके बांध देंगे। यहाँ पे हमें तीन बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। देखें, इस तरह से तीन बार सिंगल क्रोशिया बना लिया है। आगे देखें, ये जो है हमारा, यहाँ से देखें काउंट करेंगे, 1 2 3 4, चौथे में आएंगे और इस तरह से फंदा निकालेंगे। और बांध देंगे। आगे आएंगे,
देखें, इसे छोड़ के इसके आगे वाले में से इस तरह से फंदा उठाएंगे और बांध देंगे। यहाँ हमें करीब 7 बार सिंगल क्रोशिया बनाना है, 2, 3, 4, 5, 6, 7। देखें 7 बार हमने इस तरह से बना लिया है सिंगल क्रोशिया। अब देखें यहाँ से काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब हमें यहाँ से फंदा निकालना है इस तरह से, 1, 2, 3, 3 बार फंदे निकालेंगे और इस तरह से बांध देंगे। अब देखें आगे आएंगे, इसे छोड़ेंगे, इसके आगे वाले में से फंदा उठा के इस तरह से बांध देंगे। देखें इस तरह से हमने यहाँ 7 बार सिंगल क्रोशिया बना लिया है। अब यहाँ देखें इसमें आएंगे और 3 बार फंदे निकालेंगे, 1, 2, 3 बांधेंगे। आगे देखें इन दोनों के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखें इस तरह से हमारी लाइन बनके कंप्लीट हो गई है। आगे देखें यहाँ पे हम एक चैन लेके इस तरह से घुमा लेंगे और इनके ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखें इस तरह से हमें सिंगल क्रोशिया एंड तक बनाना है। मैं आपको ये लाइन कंप्लीट करने के बाद दिखाती हूँ। देखें ये मैंने सभी चैनों के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बना के तैयार कर दिया है। अब देखें यहाँ पे हमें इसे ऐड करना है, इस तरह से फंदा ले लेंगे। तीन चैन लेंगे और इस तरह से घुमा लेंगे। देखें अब हमें इन सभी चैनों के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। इसे छोड़ेंगे, इसके आगे वाले में से फंदा उठाएंगे। देखें इस तरह से हमारा ये लाइन कंप्लीट होएगा। मैं आपको ये पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद दिखाती हूँ। देखें ये मैंने सभी चैनों के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना लिया है। आगे देखें यहाँ एक चैन बनाएंगे और इस तरह से घुमा लेंगे और इन चैनों के सभी चैनों के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए एंड तक जाना है।
इस तरह से हमारा बनता जा रहा है। मैं आपको ये पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद दिखाती हूँ। देखें, ये मैंने एंड तक सिंगल क्रोशिया बना के तैयार कर लिया है। अब हम यहाँ पे इसे ऐड करेंगे। एक चैन लेंगे और इस तरह से घूम जाएंगे। अब देखें, यहाँ पे हमने एक दो तीन चौथे में लाके इस तरह से बनाया था। अब हमें यहाँ पे सात डबल क्रोशिया बनानी है। एक दो तीन चार पाँच छ सात, सातवें में बनाने के बाद यहाँ से देखें इस तरह का बनाएंगे। यहाँ से तीन बार इसी तरह से बनाएंगे। एक दो तीन, तीन डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब देखें, ये हमें इन दोनों के बीच में बनाना है, इसलिए यहाँ पे करीब हमें सात बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। एक दो तीन हमने बना लिया है, चार पाँच छ सात। अब देखें, यहाँ से काउंट करेंगे, एक दो तीन चार, चौथे में यहाँ पे आएंगे। अब देखें, यहाँ पे हमें ये जो है हमारा, इसमें से तीन बार फंदे निकालेंगे, एक दो तीन, इस तरह से बांध देंगे। और देखें, इसे छोड़ेंगे, यहाँ से फंदा उठाएंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात। देखें, इन दोनों के बीच में हमें एक इसी तरह का बनाना है, इसमें आएंगे और इस तरह से बना लेंगे। तीन बार फंदे निकालेंगे। अब इन्हें बांध देंगे, आगे छोड़ेंगे, इसमें से फंदा उठा के सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखें, इस तरह से हमारी ये लाइन कंप्लीट हो गई है। अब हमारी ये वाली लाइन यहाँ ऊपर दोबारा रिपीट होगी। देखें, इन दोनों फूलों के बीच में हमारा ये फूल बना है, इन दोनों फूलों के बीच में ये फूल बना है। आगे तो फ्रेंड्स, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट्स करके बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसे लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय फ्रेंड्स। Thanks for watching this video. Bye friends.